इस मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उन औरतों को सजाए मौत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो लेडीज विच हैं, जो कि ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करती हैं। दरअसल इस वक्त में मेल ज्यादातर फीमेल्स पर विच होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें फांसी दे दिया करते थे। एक बार जिस भी औरत पर विच होने का इल्जाम लग जाता था तो उसे सिर्फ सजाए मौत ही दी जाती थी। उस लेडी को अपनी सफाई में बोलने का कोई भी हक नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन कुछ औरतों को फांसी देने वाले होते हैं। वो औरतें प्रीस्ट और वहाँ पर मौजूद लोगों को यकीन दिलाने की काफी ज्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। उन औरतों में एक ऐसी भी लेडी भी होती है जो कि काफी अजीब थी, क्योंकि वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही होती है। बाद में जब उन लोगों को फांसी दी जा रही होती है, तब वो औरत प्रीस्ट को कर्स दे देती है, जिसके बाद ही उन लोगों को फांसी दे दी जाती है। उनकी डेथ के बाद प्रीस्ट उनकी बॉडी के पास खड़े होकर सोलोमन बुक से कुछ स्पेल्स बोलना चाहते थे, ताकि इससे ब्लैक मैजिक के असर को कम किया जा सके, लेकिन वो सोल्जर प्रीस्ट की इस बात को इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हैं। नाइट में प्रीस्ट उनके पास आता है और वो सोलोमन बुक से उनके करीब आकर स्पेल्स को रीड करने लगता है। ऐसा ही वो उन दोनों की बॉडी के करीब आकर करता है, लेकिन जब वो तीसरी लाश के करीब जाता है तो स्पेल्स की वजह से उस लाश में जान आ जाती है और वो विच प्रीस्ट को मार डालती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें 13th सेंचुरी दिखाई जाती है। इस वक्त में हर तरफ सिर्फ जंग का ही माहौल होता है, चारों तरफ सिर्फ जंग ही हो रही होती है। चर्च के लोग अपने अपोनेंट के खिलाफ बगावत करके जंग का ऐलान कर देते हैं। चर्च की तरफ से दो सोल्जर जो कि काफी पावरफुल होते हैं, वो भी इस जंग में लड़ रहे थे। उन लोगों में एक सोल्जर का नाम फेल्सन और दूसरे का बहमन होता है। उन लोगों ने साथ में कई सारी जंगें लड़ी होती हैं, इसी वजह से उन लोगों में दोस्ती भी काफी गहरी होती है। इसी तरह वो लोग 1544 में भी चर्च की तरफ से लड़ रहे होते हैं। उन लोगों ने अपने अपोनेंट वाले टीम के काफी सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन जब बहमन उन लाशों को सही से देखता है तब उसे पता लगता है कि इस जंग में उनके अगेंस्ट औरतें और बच्चे थे। इस बात से बहमन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जंग में किसी भी मासूम की जान लेना नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो अपने लीडर से इस बारे में सवालात करते हैं कि उन्हें इस बारे में पहले क्यों राबता नहीं किया गया कि इस जंग में उनके अगेंस्ट औरतें और बच्चे होंगे। इसके साथ ही वो उसे बताते हैं कि आगे से वो कभी भी जंग में उनका साथ नहीं देंगे। बाद में वो दोनों चर्च यानी अपनी टीम से अलैदा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। टीम से अलैदा होने के बाद वो आजाद नहीं घूम सकते थे, उन्हें छिपकर ही रहना होगा, क्योंकि चर्च का ये उसूल था कि जो भी उनकी टीम को लीव करेगा या उससे अलैदा होगा उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा ही दी जाएगी। वो लोग काफी लंबा सफर तय करके दूसरी प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी नज़र एक घर पर जाती है। अब क्योंकि वो काफी थक गए होते हैं, इसी वजह से वो उस घर में स्टे करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो उस घर में दाखिल होते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। बाद में उनकी नज़र बेड पर मौजूद दो लोगों पर जाती है जो कि किसी अजीब बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उन्हें मरे हुए इतना वक्त गुजर चुका था कि अब तो उनकी डेड बॉडीज भी सड़ने लगी थी। इसके बाद वो आगे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी अजीब से लोग मिलते हैं जो कि खुद की बॉडी पर नुकसान पहुँचाकर उन लोगों यानी उन मुसाफिरों से हेल्प मांग रहे थे। फेल्सन और बहमन को ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पर मौजूद एक शख्स से इस बारे में सवालात करते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीब सी किस्म की बीमारी फैल चुकी है। जिसे भी शख्स को वो बीमारी होती है उसमें उन लोगों का जिस्म गलने सड़ने लगता है, जिससे बहुत ही जल्द उस शख्स की मौत हो जाती है। इस बीमारी ने बहुत से लोगों की जान ले ली है। बाद में उस सोल्जर की नज़र इनकी स्वॉर्ड पर पड़ती है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो लोग सोल्जर हैं जो कि चर्च की तरफ से जंग लड़ते थे,
लेकिन बाद में उन दोनों ने अपने लोगों से बगावत करके टीम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो उसी दरमियान ही चर्च के लोग वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन्हें अपने किंग के सामने पेश करते हैं। हमें पता लगता है कि पूरे के पूरे किंगडम के लोगों के साथ वो बीमारी किंग को भी हो गई है और उस बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे किंग की बॉडी भी अब सड़ने लगी थी। किंग उन लोगों को बताता है कि ये बीमारी इंसानों से नहीं फैली है, बल्कि ये तो जहन्नुम यानी हेल से आई है। इस बीमारी को हम इंसानों के दरमियान में लाने का काम इसी लड़की ने किया है जो कि अब हमारी कैद में है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें सोलोमन बुक की जरूरत होगी। सोलोमन बुक और उस विच लड़की को लेकर जेवरिक जाना होगा। वहीं पर ही स्पेल्स को रीड करके रिचुअल को पूरा करना होगा, जिसके बाद ही इस बीमारी से निजात मिल सकता है। विच को जेवरिक तक ले जाने का काम मैं तुम लोगों को सौंपता हूँ, क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन वो सब नाकाम रहे। लेकिन बहमन किंग की कोई भी बात नहीं मानता है और न ही वो विच को लेकर जेवरिक ले जाने के लिए रेडी था। इस बात से किंग को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों को प्रिजन में बंद करवा देता है। बहमन उस शख्स को भी नोटिस करता है जिस पर विच होने का इल्जाम लगा हुआ था। नाइट में वो लेडी अपने जख्मों और चोटों की वजह से काफी ज्यादा पेन में होती है। बहमन रहम दिल का शख्स होता है, इसीलिए वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। नेक्स्ट डे वो किंग को बताता है कि वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए रेडी हैं, जिसके बाद ये लोग विच को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस सफर में उन लोगों के साथ प्रीस्ट भी मौजूद होता है। वे में उन लोगों का रास्ता एक अनजान शख्स रोक लेता है। वो उन्हें बताता है कि इस सफर में वो भी उनके साथ चलना चाहता है। इस बात पर फेल्सन तलवारबाजी में उसका टेस्ट लेता है, जिसके बाद वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वो शख्स काफी अच्छे से स्वॉर्ड को चलाने में माहिर होता है। नाइट में ये उस फॉरेस्ट में दाखिल हो जाते हैं। बहमन और फैल्कन सोने चले जाते हैं, लेकिन उस विच पर पहरा देने के लिए प्रीस्ट और उसके साथ मौजूद शख्स वहीं पर रुकते हैं। वो शख्स प्रीस्ट को अपनी बच्ची के बारे में बता रहा होता है, जिस बात को वो लेडी यानी विच भी लिसन कर लेती है, जिसके बाद वो विच उस शख्स की बच्ची की आवाज में उसे अपने करीब बुलाने लगती हैं। अब क्योंकि विच उसके बच्ची जैसे ही रिएक्ट कर रही होती हैं, इस वजह से वो शख्स उसके बहकावे में आ जाता है और वो उसके करीब जाने लगता है। उसी दौरान ही विच उसे पकड़ लेती है। इस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो प्रीस्ट को हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है। प्रीस्ट जब उसकी हेल्प करने के लिए करीब आता है तो विच उसी के लॉकेट से उस पर अटैक कर देती है और वो केज को अनलॉक करके वहाँ से भाग जाती है। इस बारे में जब बाकी लोगों को पता लगता है तो वो सब अलैदा होकर उसकी सर्च करने लगते हैं। वो विच अपनी पावर्स का यूज करके बार बार इनविजिबल हो जाती थी। बाद में वो फिर से उसी शख्स के सामने उसी की बेटी के रूप में आ जाती है, जिस वजह से वो उस तरफ भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़का स्वॉर्ड लिए होता है, जिस वजह से गलती से स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। खैर बाद में वो किसी तरह उस लेडी को वापस से कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। प्रीस्ट उन्हें राब्ता करता है कि अब कोई भी शख्स पास्ट के इंसिडेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि इससे वो विच हमारी वीकनेस का फायदा उठाकर हम लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट भड़का सकती है। जिसके बाद ये वापस से अपना सफर जारी करते हैं। उस सफर में वो विच काफी बार उन्हें भड़काने और एक दूसरे के अगेंस्ट लड़वाने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन प्रीस्ट हर बार उन्हें ऐसा करने से रोक लेता था। बाद में काफी प्रॉब्लम्स को फेस करके फाइनली ये उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं। बहमन जब डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तो डोर अंदर से लॉक होता है, इसीलिए वो लड़का अंदर जाकर डोर को अनलॉक कर देता है। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि चर्च में मौजूद जितने भी लोग थे उन सबकी डेथ उसी बीमारी की वजह से हो गई होती है, इसीलिए उनकी बॉडी भी अब सड़ने लगती है। प्रीस्ट बहमन और बाकी सबको इनकी डेथ का रीजन बताता है कि इन लोगों ने सोलोमन बुक की कॉपी बनाने की कोशिश की थी, इसी वजह से इन सबके साथ ऐसा पेश आया है।
बाद में प्रीस्ट सोलोमन बुक से कुछ स्पेल्स रीड करने लगता है, लेकिन उन स्पेल्स का विच पर कोई भी असर नहीं होता है। तब प्रीस्ट को फील होता है कि शायद इस लेडी के अंदर डीमन है और उसी डीमन ने ही ये बीमारी हर तरफ फैलाई है जिससे लोग मर रहे हैं। इसी वजह से वो बुक में से डीमन के स्पेल्स रीड करने लगता है। उन स्पेल्स की वजह से उस लेडी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो लेडी केज मेल्ट करके बाहर आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा खौफनाक लग रही होती है। उस डेमन को रोकने बहमन अपनी कुर्बानी दे देता है और स्पेल्स पूरा होने के बाद शैतानी रूह उस लेडी की बॉडी से बाहर हो जाती है। वो रूह जहन्नुम में वापस चली जाती है और इसके साथ ही उस बीमारी का असर भी खत्म हो जाता है। बाद में वो शख्स बाकी लोगों को दफन करके उस लेडी के साथ वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।